Hi guys, good afternoon to all of you. I hope all of you are fine and sound. आज guys मैं आपके सामने एक अच्छा वीडियो, एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ रहा हूँ और जिसमें आप देखेंगे डिटरमिनर्स. और आज तक आपने बहुत बार डिटरमिनर्स पढ़ा हुआ होगा, लेकिन what is the hell of difference in that and in my teaching you will come to know. देखिए आपको मैं एक और बात बता रहा हूँ. प्लीज जो गाइज मेरे दोस्त, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड मी, यू आर कमेंटिंग, यू आर लाइकिंग. और जो नए दोस्त हैं, प्लीज मेरी वीडियोस को शेयर कर दिए जाए ताकि हर किसी को दे विल गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ माय वीडियोस. और दूसरी बात ये भी कि सब्सक्राइब करते जाइए साथ में. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट मी कम ऑन टू द पॉइंट, लेट मी कम ऑन माई टॉपिक दैट इज डिटरमिनर. It is a word that clarifies a situation of a noun. मैंने अभी guys ये बताया कि ये situation को दिखाता है, describe करता है. ये noun की situation को बताता है कि noun की situation क्या है, हालात कैसे हैं. जैसे मैंने आपको example में बताया, I have a little water in a glass. Glass तो आपको पता है ये noun है, think. और अगर मैं कहूंगा कि इसी की सिचुएशन क्या है, इसकी हालात क्या है, तो मैं कहूंगा लिटिल वाटर. ये जो आ गया है ये क्वांटिफाई करता है, ये क्वांटिफिकेशन है. तो इस चीज को हम ये बता सकते हैं कि जैसे नाउन में या डिटरमिनर में हालात बहुत सारी किस्मों के होते हैं. मैं ये कहूंगा कि जो डिटरमिनर्स चलते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं, एक तो होता है डिटरमिनर ऑफ अ क्वांटिटी जिसमें क्वांटिफाई करते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है एक और डिटरमिनर जिसको दिस दैट वगैरह वगैरह में हम यूज करते हैं. लेकिन फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वांटिफाइड, जिसमें क्वांटिटी को हम बयान करेंगे. दिस इज लिटिल वाटर इन अ ग्लास. जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अभी आपको बताया कि लिटिल ग्लास वाटर इन अ ग्लास, लिटिल वाटर इन अ ग्लास, इसका मतलब ग्लास में पानी कम है. देखो डिटरमिनर्स का क्या मतलब होता है, आपने बड़ी बार देखा होगा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये क्वांटिफाई करते हैं. दीज आर क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स. लेकिन क्या आपने गाइस कभी सोचा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज लिटिल, द लिटिल एंड अ लिटिल, इसका मतलब क्या होता है. जैसे लिटिल हम कहीं पे लिखते हैं, देयर इज अ लिटिल मींस नथिंग के बराबर, मींस कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट कुछ भी, वो ना के बराबर. अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा. जैसे हम किसी को बोलते हैं देयर इज अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, एक एग्जांपल भी सुना होगा, नीम हकीम खतरे जान. लेकिन थोड़ी सी, यहां पे मतलब है अ लिटिल नॉलेज का मतलब होता है थोड़ी सी, थोड़ा मतलब थोड़ी सी, अ लिटिल. एंड द लिटिल का मतलब होता है कि जितना आपको मिलना चाहिए उतना ही. एग्जाम्पल के बारे में, जैसे आप किसी को बोलते हैं, जैसे आई हैव दिस इज अ ग्लास, और इस ग्लास में आप गाइस देख लीजिए, मैं इसको देख लीजिए जूम करके, हाँ, सो काइंडली आप इसको देख लीजिए, ये गाइस इसमें पानी थोड़ा सा है. सो अगर आपने किसी को, क्योंकि आपने पानी पीना है और इसमें पानी ना के बराबर है, इससे तो आपकी प्यास तो बुझेगी नहीं, तो आप यूज कर सकते हैं देयर इज लिटिल वाटर, देयर इज लिटिल वाटर इन अ ग्लास. अगर ये पानी आधा गिलास भरा हुआ है जिसे आपका गुजारा चल सकता है, इफ देयर इज हाफ, आई मीन द क्वांटिटी ऑफ द वॉटर इज ऑलमोस्ट हाफ इन अ ग्लास, सो यू कैन से दैट देयर इज अ लिटिल वॉटर इन अ ग्लास बिकॉज इट कैन सेटिस्फाई, एटलीस्ट यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट बाय ऑल दिस, बाय हाफ ऑफ द ग्लास, दैट इज ऑब्वियस. लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी गिलास का है, द ग्लास इज फुल ऑफ वॉटर, देन यू हैव टू यूज द लिटर. आई हैव द लिटर, द लिटिल वॉटर इन द ग्लास. अगर गिलास में आधा गिलास भरा हुआ है, देन यू हैव टू यूज आई हैव अ लिटिल वॉटर इन अ ग्लास. और गिलास में अगर आपको कुछ पानी भी नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कप में चाय पीते हैं लास्ट में थोड़ी सी बचती है यहां पे, दैट मीन्स कि वो ना के बराबर है, तो यू कैन से देयर इज लिटिल टी, नॉट अ लिटिल. इफ यू से देयर इज अ लिटिल टी, दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इन दिस ग्रामेटिकल रूल. तो यहां पे आपने यूज करना है अ लिटिल. तो गाइस आपको क्या, आपने क्या याद रखा, लिटिल का मतलब नथिंग, अ लिटिल का मतलब समथिंग, द लिटिल का मतलब रिक्वायर्ड. तो इसका मतलब है कि आपने ये चीज देखी. सो देन देयर इज वन अदर थिंग, सिमिलरली अब हमने नाउन देखना है, ये तो नाउन आ गया, अब हमने ये नाउन देखना है क्या ये नाउन जो है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल नाउन है, बिकॉज इट टेल्स यू द सिचुएशन. ये देखना है कि ये काउंटेबल है,
अकाउंटेबल, वी हैव टू टेल वेदर द नाउन, द सिचुएशन ऑफ अ नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल. दोस्तों मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं कि लिटिल जो है, लिटिल क्या ये काउंटेबल है, इसको हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला आई हैव लिटिल वाटर इन अ ग्लास, क्या पानी को हम बोलेंगे एक पानी, दो पानी, तीन पानी, चार पानी? क्या मैं बोल सकता हूं मेरे गिलास में थोड़ी सी चाय है, मैं इसको गिन सकता हूं एक चाय, दो चाय, तीन चाय, चार, पांच, क्वांटिटी गिन सकता हूं? नो. सो वी कैन से दिस इज अनकाउंटेबल नाउन. ये जो लिटिल वाला जो मैंने आपको बताया, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन. सिमिलरली देयर इज वन अनदर वर्ड, फ्यू. एज आई टोल्ड यू, लिटिल, अ लिटिल, ये तो आपको समझ आ गया कि देयर इज इसका मतलब ही. और मैंने आपको ये भी बताया कि अब ये अनकाउंटेबल है. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वन अनदर क्वांटिफायर, दैट इज फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मुझे ये बताइए, आप जरा सोचे अपने से, क्या आपको ये फ्यू वाला लगता है ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? ऑब्वियसली क्या है, इट इज ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी काउंटेबल. जैसे मैं कहूंगा आई हैव फ्यू ऑरेंजेस, एक, दो, तीन, चार, मैं गिन सकता हूं आई हैव फ्यू ऑरेंजेस. इसी तरह मैं गिन सकता हूं आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें भी हैं, वन, टू, थ्री, फोर, मैं गिन सकता हूं. बट आई कैन नॉट टेल मेरे पास चाय को गिन सकता हूं, एक चाय, दो चाय, तीन चाय, चार चाय, मैं गिन सकता हूं? नो. सो दैट इज व्हाई वी कैन से दिस इज काउंटेबल. क्या है? काउंटेबल. सो बच्चों आप इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं लाइक दिस. अगर आप स्कूल जाते हो समवेयर गाइस, या कोई भी कुछ भी ऐसा सामान है आपके पास जो ना के बराबर है, यू कैन से आई हैव फ्यू बुक्स, दैट मीन्स नथिंग. अगर आपके पास आधी से ज्यादा बुक्स है किताब में, बैग में, आई मीन सॉरी बैग में, देन यू कैन यूज द वर्ड आई हैव अ फ्यू बुक्स. बट व्हेन द बैग इज फुल ऑफ द पैक्ड विद योर बुक्स, देन यू कैन से आई हैव द फ्यू बुक्स. सो द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन द क्वांटिफायर्स, बिटवीन अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल, यू कुड अंडरस्टैंड नाउ काउंटेबल. आपके आगे आने वाले वीडियो में मैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल आपने जो ये क्वांटिफायर्स किए, अ लिटिल, द लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, डिफरेंस क्या है, कहां पे यूज किया जाता है, तो आई कैन, आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो. आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से पसंद किया होगा, अच्छा आपने समझा भी अच्छे तरीके से होगा, और इन द लॉन्ग रन आई विल बी गिविंग यू मोर एंड मोर, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड द वीडियोज ऑफ अ गुड स्टफ जो मैं आगे देने जा रहा हूं आपको. और गाइज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, प्लीज शेयर माई वीडियोज, सब्सक्राइब और लाइक भी करते जाइए, एंड वॉच माई वीडियोज टिल एंड. थैंक यू सो मच.